नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते कहर के बीच अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने देश में पैदा हुई स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के चलते ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड की कमी के चलते बहुत सारी मौतें हो रही हैं। भारत सरकार, ये जिम्मेदारी आपकी है। राहुल का ये ट्वीट महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक अस्पताल में आग लगने से 13 कोविड मरीजों की मौत होने की खबर के बाद आया है। गौरतलब है कि देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी होने की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते इन मरीजों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विरार में एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना पर कई कोविड मरीजों की मौत पर भी दुख जताया। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले उन्होंने कोरोना वैक्सीन और नीतियों को लेकर भी मोदी सरकार पर तंज कसा था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि मैं घर पर क्वारंटीन हूं, लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि झूठे उत्सव और खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड 19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और गुरुवार रात 12 बजे तक 24 घंटे के दौरान देश में कुल 3,32,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 2,263 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,62,63,695 हो गई है। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस से अब तक 1,86,920 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।